नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोयाबीन का पकोड़ा बनाऊंगी। सोयाबीन इसमें लगेगा सोयाबीन जो 50 ग्राम है, जो मैंने गर्म पानी में भिगोकर आधा घंटा रखे हुए थे, और एक आलू लिए हैं जो भी बॉईल किया हुआ है, और इसमें लगे चीनी, नमक, हल्दी, काली मिर्च, दो इलायची, हींग, और भुना हुआ जीरा और मिर्च जो भून के पीस लिए हैं वो एक चम्मच है, और ये जीरा है, और ये बेसन। पहले मैं ये काली मिर्च और इलायची को कूट लूंगी। ये सोयाबीन को थोड़ा थोड़ा दो टुकड़ों हाथ से ही दो टुकड़े कर लेंगे, ऐसे ऐसे दो टुकड़ों कर लेंगे, और ये आलू के साथ, आलू को उसके साथ स्मैश करेंगे, और इसमें देंगे जो जो मैंने इस्तेमाल लिए हैं, ये हींग, थोड़ा सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, भुना हुआ जीरा और मिर्च, एक मिर्च लिए हैं इसमें भुने हैं, और एक चम्मच जीरा, और एक गोटा, एक चम्मच जीरा, और चीनी, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो नहीं डालेंगे, और ये कूटी हुई काली मिर्च और इलायची, और ये बेसन जो एक कटोरा का हाफ कटोरा है, सब एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। रिफाइंड तेल दिए हैं, अब ये इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके पकोड़ा तलेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और अब ये चाय के साथ भी अच्छी तरह से जाता है, और ये बहुत ही नरम होता है, और ये सभी बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। पकौड़े को अच्छी तरह से तेल में फ्राई करना होगा, और ये जो आंच है वो मीडियम रखना होगा, तब ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। सोयाबीन के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब इसको मैं पैन से उतारूंगी। सोयाबीन के पकौड़े बन गए हैं, आप इसे बनाइए, खाइए, और अपना अनुभव मुझे बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।